नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। हम लेकर आए हैं आपके लिए अभी तक की पांच सबसे बड़ी खबरें। मैं काशिफ मलिक स्वागत करता हूं आपका। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जो पहली खबर है टॉप फाइव की, वो ये है कि बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक चलता हुआ दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसके सारे विधायक जो है वो हैदराबाद पहुंचे हुए, लेकिन तीन विधायक अभी भी एब्सेंट हैं, अभी भी अनुपस्थित हैं। और मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर सिंह नहीं पहुंचे हैं, अररिया विधायक अबीदुर रहमान नहीं पहुंचे हैं, वहीं विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ भी नहीं पहुंचे हैं। हैदराबाद जो विधायक नहीं पहुंचे हैं ये तीनों, इनको 10 फरवरी तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। भले ही पार्टी यानी कांग्रेस कह रही है कि पार्टी में सब ठीक है, सबको बिल्कुल साथ मिलकर चलना है और सब साथ मिलकर एकजुट होकर चल रहे हैं, लेकिन महाराजगंज विधायक विजय शंकर दुबे हैदराबाद से लौटे हैं और शीर्ष नेताओं की अनुमति के बाद सीवान पहुंचे हैं। और महाराजगंज के विधायक ने यह भी कहा है कि पार्टी के हर निर्णय के साथ विधायक है। 12 फरवरी को सभी विधायक एक साथ विधानसभा पहुंचेंगे और विधायकों तक पहुंचना किसी के लिए भी मुश्किल है। तो ये पहली खबर है कि कांग्रेस में जो ये दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, इस पर सवाल उस वक्त उठ जाते हैं जब तीन विधायक जो है वो बिल्कुल अभी तक, उनको 10 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया गया, ये नौबत आ गई है। दूसरी खबर है नीतीश कुमार की अहम बैठक है। नीतीश कुमार की अहम बैठक होने वाली है। तो मामला यह है कि नीतीश कुमार कैबिनेट की आज अहम बैठक है, मुख्य सचिवालय में ये बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा होगी, कई एजेंडों पर मुहर लग सकते हैं। और कैबिनेट बैठक में इन जो मुहर है, जो जिन एजेंडों पर मुहर लगेगी वो अपने आप में, अभी बिहार की चूंकि नई सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन की नई सरकार बनी है, भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, लेकिन तय है कि जब सरकार बनती है, जब सरकार चेंज होती है तो नीति नियंताओं में भी फर्क आता है, सोचने समझने की और कार्यशैली में। भले ही शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार ही है, लेकिन डिप्टी सीएम जहां कल तेजस्वी थे उन्हीं के दुर्विरोधी आज डिप्टी सीएम है, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिलने की है, उनकी मीटिंग की है, उनकी मुलाकात की है। तो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे। तो मामला जो एनपीएम मोदी से कल सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है और बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद ये पहली बार ये मुलाकात हो रही है। पीएम मोदी से मिलने दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार का, गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का मामला है कि मुलाकात हो सकती है। अब जो चौथी खबर हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो है पूरी तरह से राजनीतिक खबर, और अभी तक सारी राजनीति, लेकिन ये एक ऐसी खबर है जो आम खबर है, जो चुनाव के लिए सारी पार्टियों के लिए अहम खबर है। तो मामला ये है कि चुनाव आयोग का मामला है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी आ गई है। मुख्य निर्वाचन आयोग जो बिहार आएंगे और 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा होना है, तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे और उसमें एक तेजी आ गई है। तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर के, आम चुनाव को लेकर, हम सब जानते हैं चुनाव व चुनावी वर्ष और खासकर जो आम लोकसभा का जो चुनाव होता है, आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, उसका जो वर्ष होता है वो बड़ा ही अहम होता है, बहुत ही, क्योंकि लोकतांत्रिक त्यौहार है। और पुलिस महानिदेशक से भी उस सुरक्षा को लेकर के, उसके इंतजाम को लेकर मुलाकात करेंगे। सभी जिलों के डीएम से भी उनकी मुलाकातें होंगी। तो निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ भी वो बैठक करेंगे। और जो आखिरी खबर हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो झारखंड की राजनीति की है। हम जानते हैं झारखंड की राजनीति में एक जबरदस्त खेल चल रहा था, एक जबरदस्त तरह का स्ट्रगल चल रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, हेमंत सोरेन अरेस्टेड है, लेकिन कल जिस तरह से 47 विधायकों के साथ अपने बहुमत को सिद्ध किया जेएमएम और गठबंधन ने, उससे यह साबित हो गया कि विपक्ष अभी फिलहाल विपक्षी रहेगा और कहीं से कोई भी जरा भी कंफ्यूजन नहीं दिखाई दिया। तो आज जो है वो सत्र का दूसरा दिन है, आज तय बात है कि विपक्ष जो है वो सरकार को उसकी नीतियों और फैसलों पर घेरेगा, लेकिन सरकार ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कल चंपई सोरेन जो है, जो मुख्यमंत्री बन चुके थे और जो उनकी उन्होंने अपनी सरकार सिद्ध कर दी, उनमें जबरदस्त रहा। तो मामला है झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन, बहुमत साबित करने के बाद महागठबंधन बिल्कुल जोश में दिखाई दे रही है, कई विधायी कामों को पूरा करने की कोशिश होगी। क्योंकि आपको याद है चंपई सोरेन ने खुद कहा है कि अगर आप इसको हेमंत सोरेन सरकार टू कहते हैं तो यही सही, क्योंकि हम उनकी ही किए हुए काम को जो अधूरे हो गए हैं उनको पूरा करेंगे। तो सरकार को घेरने की तय है कि विपक्ष आज कोशिश करेगा। कल विधानसभा में बहुमत का परीक्षण हुआ था, शक्ति परीक्षण हुआ था, सरकार ने एकदम आसानी से बहुमत सिद्ध कर लिया। तो ये अभी तक के टॉप फाइव खबरें थी जो हमने आपके साथ साझा की। खबरों से बने रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।